आप सर साइंस के स्टूडेंट से ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट से जीवन के स्टूडेंट से अपने आसपास के नेचर को समझते होंगे, अपनी माँ को तो जानते होंगे, आपका घर किस चीज से चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी से कि नेगेटिव एनर्जी, आपकी माँ के पास क्या है, पॉजिटिव एनर्जी कि नेगेटिव एनर्जी। इसीलिए यंग लोगों के साथ बैठो तो पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत करीब हो। आदमी जैसे जैसे जीवन के संघर्ष में डूबने लगता है, अपनी माँ से कुछ वक्त के लिए थोड़ा दूर होता है, और अपनी माँ के प्यार को, उसकी तपस्या को, उसकी हिम्मत, उसके सामर्थ्य को समझना बंद कर देता है। उसे लगता है मैं ही हूं, मैं ही जिंदगी चला रहा हूं। और शायद यही कारण है कि जो लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में होते हैं, वो भारत जो हमारी मां है उसकी महानता को, उसकी धरोहर को समझने में कई बार गलती कर देते हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ दो बिल्लियों की तरह लड़ाई है। उसी मां का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं आज जीरो, भारत ने जीरो बनाया, उसके बारे में बात करूंगा। मैं पॉलिटिक्स की ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह हो गया है कि मैं सिर्फ भारत के बारे में बोलता हूं, और मैं भारत की सिर्फ पॉजिटिव बातों के बारे में बोलता हूं, नेगेटिव बात भी तो लाखों लोग हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी है और तमाम पार्टियां। समस्या यह है, जब भी मैं कहता हूं कि भारत अच्छा देश है, मुझे कांग्रेसी लोग ट्रोल करने लगते, पता नहीं। चरण जी, नहीं, मैं एक ही बात आपसे बोलूंगा, बिफोर इसके पहले जो कुछ बोलूं, मैं पॉलिटिक्स से सिर्फ एक ही बात करूंगा। सर, आपने पकौड़े वालों को बहुत बड़ा बुरा बोला था, लेकिन कितना भी पास्ता खा लिए मजा तो पकौड़े में ही आता है। जिनको आप लोग ऋषि बोलते हैं, वो ऋषि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट को उस वक्त ऋषि बोला जाता। जब सारी की सारी दुनिया लोगों की जमीनों पे कब्जा करने में लगे थे, जहां रिसोर्सेज हैं, जहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर तलवारों और बंदूकों से कब्जा करने में लगे थे, तब भारत भूमि के जो ऋषि लोग थे, वो अपने मन, अपनी आत्मा, अपने जीवन पे कब्जा करने के लगे थे, अपने चिंतन और मनन से। आज क्या आप लोग जानते हैं, इस विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं हुई, बहुत सारे सिविलाइजेशंस हुए, एस्टेक, इजिप्शियन, रोमन, तमाम विश्व में तरह तरह की सभ्यताएं हुई, एक एक करके सब खत्म हो गए, सारे सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, पर भारत आज भी जिंदा है। भारतीय सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो आज भी ओपन और डेमोक्रेटिक तरह से जिंदा है। एक और सभ्यता जिंदा है, चाइनीज, लेकिन वो क्लोज सभ्यता। आपने कभी सोचा क्यों, क्या कारण है? कोई मुझे बता सकता है क्यों? ऐसी कौन सी एक चीज है जिसने हमको जिंदा रखा है? कोई बताएगा मुझे? स्टूडेंट यहां आप, कोई आपको भारत के बारे में नहीं पता? व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया? राइट, डाइवर्सिटी। इंडिया इसके जिंदा है क्योंकि हमेशा एक ओपन और पॉजिटिव माइंड लेके हम लोग चले। हमारी विशेषता यह रही है, हमने हमेशा प्लुरैलिटी को माना है। आप ईश्वर को मानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ईश्वर को नहीं मानना चाहते तो भी आप हिंदू हैं। जब मैं हिंदू बोल रहा हूं, मैं किसी धर्म नहीं, मैं सभ्यता की बात कर रहा हूं। सिविलाइजेशन है तो अल्टीमेटली हिंदू सिविलाइजेशन। अगर आप ईश्वर को गाली दे
प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमारे चारक करके बहुत बड़े संत ऋषि हुए हैं, वो उनका कहना था कि दिन भर घी पियो और सोते रहो, उनको भी हमने ऋषि और संत का दर्जा दिया। आप कोई सी भी विचारधारा के हो, आप कुछ भी सोचते हो, कैसा भी सोचते हो, आपको उतना ही अधिकार, उतना ही आदर इस सोसाइटी में मिलेगा जितना किसी और को मिलता है। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में 2 बार इंटॉलरेंस की डिबेट चालू हुई और दोनों बार फेल हो गई, क्योंकि ये देश है, ये टॉलरेंस वाला देश कभी नहीं रहा। टॉलरेंस एक विदेशी कॉन्सेप्ट है। अभी आप पढ़ लिख के जब बाहर जाएंगे कभी घूमने, कई लोग गए भी होंगे शायद, आप देखिए वहां पे जब आपके घर में कोई रहने आता है, आपका कोई कजिन आता है, आपको कोई चाचा या मामा आते हैं, तो माँ बच्चों से बोलती है बेटा इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू डेज, जस्ट टॉलरेट देयर फॉर 2-3 डेज। भारत टॉलरेंस वाला राष्ट्र कभी रहा नहीं। भारत हमेशा से टोटल एक्सेप्टेंस वाला राष्ट्र है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया, और भारत ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसको 10 साल के लिए एक विदेशी महिला ने रूल किया। आप सब जानते होंगे 2014 तक, पिछले 2004 से 2014 तक हम लोगों ने श्रीमती सोनिया गांधी को वही आदर और वही रिस्पेक्ट दी जो हम किसी और भारतीय को देते, विश्व में इसकी कोई और मिसाल आपको मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि जो देश इतना महान है, जो देश हर परिस्थिति में, हर आक्रमण के बावजूद, हर लूट विदेशियों के आक्रमण के बावजूद, अपने ही देश के लोग, अपने ही आजादी के बाद अपने ही देश के लोग नेताओं की लूट के बावजूद अगर आज जिंदा है और वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है, स्टैटिस्टिक थोड़ी मैं भी जानता हूं, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट फूड ट्रेड प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर है, सोलर एनर्जी में, मिल्क प्रोडक्शन में, विंड एनर्जी में, रेलवे फ्रेट में, रेलवे लाइन्स में, एयरलाइन पैसेंजर्स, ऐसे 50 चीजों में वी आर इन वर्ल्ड्स इन टॉप 3 और 5 कंट्रीज। मैं बहुत बाहर जाता हूँ लेक्चर देने, अभी कुछ महीने पहले मैं अमेरिका की 25-30 यूनिवर्सिटी में गया था, जिनमें से पर्ड्यू और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन सब जगह मैं गया था स्पीच देने, और सारे स्टूडेंट्स जो थे मोस्ट ऑफ देम वर नॉन इंडियंस, और वो सब लोग मैंने ऐसे हॉल भरे रहते थे, उनमें आप देखिए जूस होते थे, ब्लैक्स होते थे, अमेरिकन होते थे, तमाम और कई सारे अरब स्टूडेंट्स भी होते थे। और मुझे वहां के प्रोफेसर ने बताया कि ये जो अटेंडेंस है इंडियन लेक्चर्स को लेके, चरण जी यू मस्ट लिसन टू दिस, क्योंकि ये भारत की बात नहीं, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, आपको आश्चर्य होगा जान के, मुझे वहां के डीन यूसीएलए जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये बोला कि ये पिछले 3-4 साल में ये अटेंडेंस लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जब 5 स्टूडेंट्स नहीं आते थे सुनने, अब धीरे धीरे 500 से लेकर 1000 स्टूडेंट्स आते हैं। अमेरिका की एक सब वेरी गुड नंबर। ये कैसे हुआ है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है? ये वो हिंदुस्तानी लोग जो इंडिया से अमेरिका जाते हैं या यूके जाते हैं, उन लोगों की क्या नॉलेज है, उनकी क्या अवेयरनेस है, उनकी क्या लीडरशिप है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको देख के लोग इंटरेस्टेड होने लगे, जो पहले नहीं होता। ऐसा क्या बदला? ध्यान से सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका भविष्य किस पर टिका हुआ। ऐसा क्या बदला? पहले भी इंजीनियर जाते थे और डॉक्टर्स, एक्चुअली पहले तो ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जाते थे, आज भी इंजीनियर्स जाते हैं, आईटी ग्रेजुएट जाते हैं, डॉक्टर्स। व्हाट हैज चेंज्ड? इसके लिए आपके अगर कोई कजिन रहते हो अमेरिका या यूके में, उनसे पूछिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है और पॉलिटिशियंस इस बात को समझेंगे नहीं।
इंडियन आज जो लड़का लड़की वहां जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, उसके कंधे पहले की तरह झुके हुए नहीं। अब वो गोरे लोगों को देख के ऐसे ऐसे सर नहीं हिला, आज उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं आप लोगों की जो एनर्जी है इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें आत्मविश्वास है। जब मैं पढ़ता था तब से दो ब्रांड्स मिलते थे जूते के, बाटा और करोना, और दो ही प्रोफेशन थे, इंजीनियर या डॉक्टर, या फिर अगर पैसा कमाना है तो आईएएस ऑफिसर बनना, आप जानते होंगे। आज भारत इज फुल ऑफ चॉइसेस, और जब आदमी को चॉइस होती है तभी वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है या अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है। लेकिन आज जब सक्सेसफुल होने की चॉइस भारत में पहली बार आई, आज जब एंटरप्राइजिंग बनने की चॉइस सबसे भारत में आई, तो भारत के लोग कॉन्फिडेंटली अपने कंधे ऊंचे करके, सर ऊपर करके सारी दुनिया के सामने आगे बढ़े। और मेरे ख्याल से ये एक पहली स्टेप है भारत को वर्ल्ड मैप पे एक कॉन्फिडेंट कंट्री की तरह प्रेजेंट करने। मैडम हेलो एक्सक्यूज मी, इज इट अ क्लास और इज इट अ फंक्शन? अगर वो लिखवा लीजिए पहले या मैं बात कर लूँ लोगों से, कुछ एक चीज कर सकते हैं, दो चीज नहीं कर सकते। आप लोग क्या पसंद करेंगे, मैं बात करूँ कि लिखना? तो जो आज का एक यूथ है बाहर जाता है, जब क्या कारण है कि सोशल मीडिया में आज देखिए बताइए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि आजादी के बाद, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पंडित नेहरू वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दो विचारधाराएं थी। गांधी का स्वराज चलेगा कि नेहरू जी का फैसिनेशन विद वेस्टर्न आइडियोलॉजी चलेगा, और ये सब रिकॉर्डेड है कांग्रेस की हिस्ट्री में। हमारे देश का सौभाग्य था या दुर्भाग्य था, हम लोग नेहरू जी के वेस्टर्न आइडिया से चले, और वहीं से दिमागों का कॉलोनाइजेशन जो था वो बना रहा। हम अपने दिमागों को डीकॉलोनाइज करने में कभी समर्थ ही नहीं हो पाए, और यही कारण है कि आप देखिए इस देश का जो लड़का या लड़की अंग्रेजी नहीं बोलता है उसके जीवन के यूथ के प्राइम यूथ के 15-20 साल तो सिर्फ अंग्रेजी से लड़ाई लड़ते लड़ते ही चले जाते। ये सही है कि गलत है? इतनी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्या कारण है इसका? अभी मेरा भोपाल में घर था, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद उस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं अकेला बेटा था, तो फिर कोर्ट केस चला, फिर अल्टीमेटली उन लोगों से 10-12 साल के कोर्ट केस के बाद अभी वो घर खाली कर रहा है। जब मैं उस घर में गया तो इतना बुरा हाल उसका करके रखा था, चीजें सब निकाल ली थी, बहुत ही बुरे हाल में। मेरा कर्तव्य ये था और जो है जो मैंने किया कि सबसे पहले उस घर की मरम्मत की है, अपने मां बाप की जो धरोहर है, हालांकि मुझे आवश्यकता नहीं, जो धरोहर है उसको कम से कम इतना तो साफ और पवित्र फिर से बनाया जाए कि मैं ये तो कह सकूं ये मेरा घर है, उन लोगों का घर नहीं है जिनने कब्जा करके रखा। तो ऐसा क्या हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद जो लीडरशिप इस देश में आई वो क्यों इस बात को भूल गई कि ये अल्टीमेटली है तो भारत, भारत को फिर से भारतीयता की तरफ ले जाना उनका कर्तव्य था, या भारत के जो भारतीय लोग थे, जो हमारे मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लोग थे, जो अंग्रेजी ना बोलने वाले लोग थे, जिनके परिश्रम योगदान और संघर्ष से देश को आजादी मिली, ये तो किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है गांधी जी और नेहरू जी ने आजादी दिलाई, पर आजादी तो इस देश के लोगों ने दिलाई। शाम को जाके, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, शाम को अपने घर जाइएगा, अपने मां बाप से पूछिएगा कि उनके दादा दादी या और पीछे उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश की जो आजादी थी वो हमारे देश के लोगों के त्याग और तपस्या से मिली थी। ऑफकोर्स गांधी जी ने उसको लीड किया था, पर गांधी जी तमाम हजारों नेता थे जिनने लीड किया था। हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं,
सुभाष चंद्र बोस की बात करनी है। तो ये सब जो नेता थे, पटेल, बोस, तिलक, इन लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि इन लोगों की ऐसा क्यों किया। और यही कारण है हमने हमेशा अपने यंग लड़के लड़कियों को नॉन स्टॉप एक हीन भावना से ग्रसित करवाया। मैं उस जनरेशन का हूं, आप भी उसी जनरेशन के। हम सब पढ़े हुए या जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो 70 और 80 के दशक में पढ़े हुए बड़े हुए प्री लिबरलाइजेशन, वो सब जानते हैं इस बात को। हर समय हमें ये लगता था हम पिछड़े हुए गरीब देश हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और वही लोग यहां से इंजीनियर डॉक्टर बन के बाहर जाते थे विदेश में। लेकिन पिछले 3-4 साल से जो लोग जा रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं है कि वी कांट डू इट, उनकी बॉडी लैंग्वेज है इंडिया कैन डू इट, इंडिया इज डूइंग इट, इंडिया विल डू इट। दलाई लामा ने अभी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में एक बड़ी अच्छी बात बोली थी जिसपे सारे के सारे अंग्रेज लोग 3-5 हजार अंग्रेज तो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था बहुत देर तक। उन्होंने कहा अल्टीमेटली कोट अनकोट बोल रहा हूं, ये दलाई लामा ने अभी कुछ वक्त की पहले की बात, उन्होंने कहा इवेंचुअली इंडिया वॉज, इंडिया इज एंड ओनली इंडिया विल। ये कॉन्फिडेंस दलाई लामा जैसे लोगों को, विश्व की सारी दुनिया के सारे लोगों को भारत पे अचानक क्यों आने लगा है? इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है, इसका कारण है सोचने, जो सोच में चेंज आया है, जो पैराडाइम शिफ्ट। और ये पैराडाइम शिफ्ट जो होते हैं, ये जो एटीट्यूडनल चेंजेस होते हैं, ये जनरेशन लगती है इनको आने में। भारत में कोई भी आदमी ये नहीं सोचता था कि कार से कुछ कचरा फेंकना क्यों खराब है, जो भी निकलता तो उठा के फेंक देता था, मेरा घर साफ रहे, बाहर का घर गंदा। अगर आज आपके छोटे भाई बहन हो तो आप देखिए आपको कचरा भी फेंक देते। आप लोग भी, आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर आज क्लेंलीनेस की अवेयरनेस है, हाथ उठाइए, जो सोचते हैं कचरा फेंकना गलत बात है? कोई ऐसा है? एक दो लोग? आपको लगता है कचरा फेंकना अच्छी बात है? आपने हाथ नहीं उठाया। यही सवाल अगर आप आज से 5-6 साल पहले किसी कॉलेज में पूछते हैं, आप गारंटी इस बात की है कई लोग कहेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, सब लोग हाथ नहीं उठा। ये जो एटीट्यूडनल चेंज है उसका श्रेय कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि सफाई की बात पुरानी गवर्नमेंट ने नहीं की, उन्होंने भी बहुत काम किया है। ऐसा थोड़ी है कि इस देश में डस्टबिन नहीं थे, डस्टबिन तो सब जगह लगे ही थे। ऐसा थोड़ी है कि ट्रेनों में सफाइयां नहीं होती थी, ऐसा थोड़ी है कि एयरपोर्ट्स पर सफाई करने वाले लोग नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि कचरा उठाने की उसमें गाड़ियां नहीं आती थी। पर यह चेंज कैसे आया? जब हम लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जब हम लोगों ने कहा कचरा नहीं होना चाहिए। ये जो एटीट्यूड का चेंज है मेरे ख्याल से ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी देश के, समाज के पुनर्निर्माण का, जिसकी बात बहुत अफसोस की बात है, इट्स अ सैड कॉमेंट्री कि 60 साल में किसी ने, 70 साल में किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, जबकि इस देश को महान से महान लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जवाब पंडित, मैंने अभी एक फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल्स, ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं, करप्शन क्या होता है आपको मैं समझा दूं। करप्शन सिर्फ पैसे के लेन देन का नहीं होता, वो तो 2 दिन में बंद हो सकता है। आप 4 पुलिस वाले लगा दीजिए, करप्शन नहीं होगा। आप कैमरे, अभी टेक्नोलॉजी चेंज कर देगी, जगह जगह कैमरे लग जाए। अब बंबई, यहां पता नहीं मुझे बंबई दिल्ली में है तो जो चालान है अपने आप आ जाते हैं। आपने जरा सी व्हाइट लाइन को क्रॉस किया आपके घर में चालान आ जाता है, 3-4 तो हमारे ड्राइवर के आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी करप्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप ये किसी से भी अपने माँ बाप से पूछिएगा सवाल कि भाई आप पहले इनकम टैक्स ऑफिसर से कितनी बार मिलते थे और आज कितनी बार मिलते हैं? आज आपको नहीं जाना पड़ता क्योंकि आप बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं। ये डिजिटल इंडिया जो है, ये लेकिन मोदी जी के कारण हो रहा है। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में आ रही है, लेकिन उसको किसी ने तो लीड किया है, किसी ने तो इंस्पायर किया है। आपके अंदर बहुत टैलेंट हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे सुर को जानने वाले हो, लेकिन कोई भी आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे सिखा के एक राह दर्शन दिखाने वाला होना चाहिए, दिशा दिखाने वाला, जो हमारे पास नहीं था। तो करप्शन में था तो क्या होता है? मैंने भी एक फिल्म बनाई, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। आप सब लोग जानते हैं शास्त्री जी के बारे में?
लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के थे और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चीन के साथ एक बहुत शर्मजनक हार के बाद भारत का एक और युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ और हमने उसमें बहुत कुशलता के साथ विजय पाई। और इमीडिएटली उस वॉर के बाद ताशकंद में, जो उस वक्त के यूएसएसआर में था, रशिया में था, वहां पे एक पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रीटी, एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट करने के तुरंत बाद, कुछ घंटे बाद, शास्त्री जी की बड़े संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं उन्हें हार्ट अटैक आया था, कुछ कहते हैं उन्हें जहर दिया गया। सवाल यह है कि शास्त्री जी, आप जरा गौर करिएगा इस बात पर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको समझ में आएगा करप्शन होता क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर का कोई बड़ा बूढ़ा जिसका किसी के साथ विवाद चल रहा हो, किसी के साथ दुश्मनी चल रही हो, वो विदेश गए और वहां पे उनकी अचानक एक संदेहास्पद तरीके से उनकी मृत्यु हो जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप क्या मांगेंगे? व्हाट विल यू आस्क फॉर? पोस्टमार्टम? वो मृत्यु किस वजह से हुई तो जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? और स्पेशली अगर वहां के लोग, उनके साथ जो नौकर लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि इनको शायद जहर दिया गया है, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई, लोग 95-100 साल के होते हैं, वो हॉस्पिटल में जब मर जाते हैं तो परिवार वाले डॉक्टरों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि जरूर आपने गलत इलाज किया होगा इसलिए मर गए, ये भी नहीं मानते। तो हम, अब आप सोचिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में युद्ध के बाद मरता है, उनके परिवार वाले रो रो के मर जाते हैं, जब उनकी बॉडी हिंदुस्तान लौट के आई, उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, सूज गई थी, उनकी बॉडी से खून निकल रहा था। हार्ट अटैक में किसको खून निकलता है? आज 50 साल हो गए, उनका पोस्टमार्टम नहीं, ना रशिया में ना इंडिया में। और तो और, उनकी जो समाधि बन रही थी, जान शास्त्री जी ने क्या नारा दिया था हमें, जोर से बोलिए, क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने, और उसी नारे के कारण हम लोग जीते थे। जीते बंदूकों से थे, सूझबूझ से, लेकिन उस नारे ने हमारे सैनिकों को प्रेरित किया और इसलिए हम जीते थे। आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब उनकी समाधि पे उनकी धर्मपत्नी ललिता जी ने बोला और उनके सारे चाहने वाले भारतीयों ने बोला कि उनकी समाधि में, जब गांधी जी की मृत्यु, उनकी समाधि पर लिखा गया हे राम, क्योंकि उनके आप ही शब्द थे। शास्त्री जी की समाधि में जय जवान जय किसान लिखने की जब बात हुई, उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तब ललिता जी, शास्त्री जी की धर्मपत्नी, उनकी समाधि के सामने जाके भूख हड़ताल पे बैठ गई। 4 दिन बैठने के बाद जब इतना पब्लिक प्रेशर बना, तब जाके इंदिरा गांधी ने उनको अलाउ किया और उसी रात उनके घर जाकर उनसे बोला कि आपके पास घर दे रही हूं, गाड़ी दे रही हूं, आज के बाद बस अपने मुंह पे लगाम लगा के बैठिए। इतनी इंक्वायरी की मांग हुई, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री का विषय हमेशा ज्वलंत रहा, लेकिन आज मैंने पिछले 4 साल में रिसर्च किया है, 25 आरटीआई फाइल की है, आपको आश्चर्य होगा जान के कि भारत सरकार के पास एक भी कागज नहीं है उसका। और शास्त्री जी की इंक्वायरी मांग कहां हुई? दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के छोटे से पुलिस स्टेशन में। भारत के प्रधानमंत्री की मिस्टीरियस डेथ या मर्डर, और उसी वक्त की बात बता रहा हूं मैं, इसे कहते हैं करप्शन। करप्शन इस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर घुसता है। जब लीडरशिप डिसाइड कर लेती है किसी राज को छुपाना है, तो उसके लिए अपने इर्द गिर्द मीडियोकर, इनकॉम्पिटेंट और साइकोफ्रेंड टाइप के लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करती है
और धीरे धीरे वो एक इकोसिस्टम बनता जाता है और देश की जो जड़ें होती हैं कमजोर बनती जाती हैं और देश के लोग जो है वो सोचते हैं कि सिर्फ करप्शन से ही काम चलेगा, सिर्फ मीडियोक्रेसी से ही काम चलेगा और इसीलिए एक्सेलेंस को इस देश में, मैरिट को इस देश में कभी सेलिब्रेट नहीं किया। मैं 60 साल की हिस्ट्री बता रहा हूं इस देश में, इसीलिए हम लोग हमेशा रिजर्वेशन 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 की बात करते हैं।